ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रही है, लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ से दिख नहीं रहे। सामने ट्रेन है उसके बावजूद कोई भी डर नहीं। यहाँ आगे भी हमको अभी दिखाई दी, आगे चलते हैं, अभी तुरंत दिखाई दिया हमको इस जगह आगे। ओहो इतनी ज्यादा संख्या में, बाप रे कभी हमने सोचा तक नहीं था यार। ये रक्षक है इन सभी का, ये समझ रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बेटा तू जिस क्लास में पढ़ा है ना हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए रात बहुत ज्यादा है, पायलट को ये चाय पिला रहे हैं क्योंकि ठंड का माहौल है ना, तो चाय पिला रहे हैं इस समय। हाय फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आज के इस मेरे ब्लॉग वीडियो में, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों ने ट्रेन से सफर तो बहुत किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग वीडियो में जो ट्रेन की जो स्टेशन की कुछ सच्चाइयाँ हैं वो आपके सामने इस ब्लॉग वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज यूपी का एक ऐसा स्टेशन है जिसके बारे में कुछ आप बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, तो अगर आप यूपी के हैं तो आज के इस ये ब्लॉग वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स गौर करिए टाइम पर, 2:16 हो रहा है, ये सुबह के हैं, रात हो रही है, बहुत ज़्यादा रात है। लेकिन अगर रात है तो आज के इस रात के बनाए गए इस ब्लॉग वीडियो में आज आपको काम की जानकारी देंगे। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, लाइक कर देना। देखिए आप स्टेशन कौन सा है वो तो गौर से देख चुके हैं, लखनऊ से सटा उन्नाव जिला, ये उन्नाव जिले का रेलवे स्टेशन है। रात के 2:16 हो रहे हैं फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग वीडियो में बताने का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि देखिए रात के समय आए हैं और रात के समय यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हम अंदर आ चुके हैं और आपको देखिए थोड़ी सी ट्रेनें आ रही, वहाँ पर गौर करिए, वहाँ पर कुछ एक औरत और एक आदमी भी खड़ा नज़र आ रहा है। सामने ट्रेन है फिर भी कोई भी डर नहीं है। और वो आदमी औरत कौन है अभी सब कुछ आपको बताते हैं, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ट्रेन है, रात के 2 बज रहे हैं, कोई डर नहीं इन लोगों को, ये किसी से भी नहीं डरते हैं। और सीधा देखिए सामने खड़े हुए हैं, शायद आपको कैमरे में जूम कर रहे हैं लेकिन शायद आपको फ्रेंड्स नहीं समझ में आता होगा। और देखिए ट्रेनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, फिर भी इन लोगों के कोई भी डर नहीं है। तो अगर आप लोग उन्नाव से हैं या फिर उन्नाव के बगल वाले एरिया से हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मेरे साथ जो हुआ आपके साथ वो ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसी रात में ट्रेन आया जाया करती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग कभी ऐसे स्टेशनों पर आते हैं तो आप लोग सावधान हो जाना, क्यों उसका भी रीज़न बता रहे हैं। देखिए पहले इस स्टेशन के सामने देखिए पूरा सूना माहौल है, लेकिन ये लड़का देखिए पूरी पहरेदारी के साथ, इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तो जिस क्लास में पढ़ा है ना हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इतना नादान नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारे फ़ोन को देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और सामने देखिए कुछ यात्री लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे पास बार बार ये लड़का आ रहा है। देखिए कैसे पास में खड़ा है, ये समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये फ़ोन के जुगाड़ में है कि इनको हमको इनका फ़ोन मिल जाएगा। देखिए कुछ दूर से इशारा भी कर रहे हैं, आपको जहाँ पर टिकट मिलता है वहाँ पर थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए यात्री वगैरह सो रहे हैं और ये लड़का बाहर, और भी कुछ लोग हैं और एक दो औरतें भी हैं, तो ये लोग बाहर खड़ी कुछ और प्लानिंग से है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर आ जाऊँ फ्रेंड्स, आपको बता दूँ स्टेशन के पास थोड़ा चलते हैं, आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए ऐसे पुलिस वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग ऐसे स्टेशनों में या फिर किसी भी स्टेशन में, मैं एक स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेशन में अगर आप रात में रुकते हैं तो फ्रेंड्स अपने पास जो सामान है उसका बहुत केयर करना, आपके पास जो फ़ोन है उसकी केयर करना, आपके पास जो बैग है उसकी केयर करना, क्योंकि ये लोग पता नहीं कौन कौन से बहाने से आते हैं और आपके फ़ोन को मार ले जाते हैं। फ़ोन को मारने का मतलब समझना फ्रेंड्स के फ़ोन को ले जाएंगे या फिर किसी को फ़ोन मिलवाने के बहाने से ये आपको फ़ोन से मतलब पता नहीं कहाँ फ़ोन आपका चला जाएगा, फिर आप आगे की बातें समझते हैं। देखिए ठंड का माहौल है तो कैसे पायलट चाय ये भाई पिला रहे हैं पायलट लोगों को, ठंड का माहौल है होना भी चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन एक ही ये बात कहनी है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग रात में रुकते हैं ऐसे स्टेशनों में तो सावधान रहना और अपने पास जो सामान है थोड़ा उसका केयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं चलता। कोई औरत सामने, अभी एक औरत भी खड़ी थी, ऐसे बुलाते हैं और अगर आप उनके पास गए तो किसी को फ़ोन मिलवाने के वास्ते या फिर किसी भी वास्ते आपके सामान से मतलब आपका सामान भी गैप हो सकता है। तो सावधान रहना फ्रेंड्स, सतर्क रहना और
उम्मीद है आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।